चैल्कोलिथिक. ओके, सो वंस द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डेवलपिंग, एज वी हैव ऑलरेडी सीन द टाइम पीरियड. ओके, टाइम पीरियड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, इट इज फ्रॉम 3300 BC ऑल द वे अप टू 1300. दिस इज अ टाइम पीरियड विच वी हैव फॉर द हरप्पन सिविलाइजेशन. ड्यूरिंग द सेम पीरियड वी ऑल्सो हैव सर्टन चैल्कोलिथिक कल्चर्स. ओके, विच वर यूजिंग ओनली कॉपर, दे वर नॉट यूजिंग द ब्रॉन्ज. इन्होंने ब्रॉन्ज को यूटिलाइज नहीं किया, एंड दे वर मोस्टली रूरल इन नेचर. उनका सिर्फ रूरल बैकग्राउंड था, बाकी उनका कुछ ऐसा था नहीं. सो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट कम्स आउट टू बी गणेश्वर. प्लीज रिमेंबर इट, गणेश्वर एज यू कैन सी द टाइम पीरियड, इट इज कॉन्टेम्प्ररी विद हरप्पन सिविलाइजेशन. पूरा कॉन्टेम्प्ररी है उसके मेन. एंड फ्रॉम हेयर दे यूज टू प्रोक्योर कॉपर. ओके, देन वी द नेक्स्ट इज आहर कल्चर विच इज इन द बनस वैली ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट वी सी फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स वी सी वाइडर यूज ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर इवन अमंग दीज चैल्कोलिथिक कल्चर्स. देन कम्स द कायथा कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश. देन वी हैव दिस ओकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर OCP, है ना, जो कि रेड कलर की थी. ओकरे उसके साथ टच करते ही द कलर यूज टू गो अवे. देन 1700 to 1200 द बिगिनिंग ऑफ मालवा कल्चर इंक्लूडिंग नवदतोली ईरान एंड नगदा. देन द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन गिलूंद अराउंड 1500 BC. एंड देन वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दैट वॉज द जोरवे कल्चर. इनफैक्ट वन ऑफ द लास्ट चैल्कोलिथिक कल्चर टू रिमेन इन प्लेस इट वॉज जोरवे बिकॉज 700 BC तक जाते हैं. ओके, 700 BC इट्स वन ऑफ द लास्ट चैल्कोलिथिक कल्चर दैट वी हैव, इट इज अ जोरवे कल्चर. 1200 BC वी हैव मैनी चैल्कोलिथिक साइट्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया. 1200 years वी ऑल्सो सी एक्लिप्स ऑफ चैल्कोलिथिक हैबिटेशन वेस्टर्न इंडिया. एंटिल 2nd century इट कंटिन्यूड द यूज ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर. सो whenever वी टॉक अबाउट चैल्कोलिथिक पीरियड, there were large number of cultures which were there, okay, and we should have a little bit of idea about it. Like when we see Ganeshwar culture, this is the area of Ganeshwar and Jodhpura. Jodhpura is not linked to Jodhpur, but word Jodhpur hai, theek hai, but that is very much linked to our Ganeshwar. And this is your Ahar culture. In Ahar culture, we have Gilund, Ahar and Balathal. These are the important sites from here. Then Iran, Kayatha, नवदातोली है ना. कायथा वॉज इन इट सेल्फ अ कल्चर एंड देर आफ्टर वी सी द बिगिनिंग ऑफ मालवा कल्चर विच इंक्लूड्स द एरिया ऑफ कायथा नवदातोली. वी ऑल्सो हैड वन कल्चर नोन एज रंगपुर कल्चर. रंगपुर कल्चर वॉज इन गुजरात अलॉन्ग विद प्रभास पतन. दीज वर द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द एरिया ऑफ जोरवे कल्चर. इन जोरवे कल्चर वी हैड दायमाबाद, निवासा, इनामगांव एज वेल एज जोरवे इट सेल्फ. ओके, so this is how the various chalcolithic cultures did develop. Chalcolithic culture did not develop to very appreciable extent in south india because of the paucity of copper itself. to yahan pe mostly kya hai, neolithic, chalcolithic, megalithic culture saath mein develop hue hain, hai na, teenon cheeze saath mein chali because copper ka utna yahan pe hai hi nahi. when you do not have the natural resources you cannot create a culture without this. so that's whenever we talk about how geography plays an important role in history, the biggest example is of चैल्कोलिथिक. जहां जहां पे कॉपर था वहां पे क्या बन गया, चैल्कोलिथिक कल्चर बना, और जहां पे नहीं था वहां पे नहीं बन पाया. दैट्स अ वेरी बिग एग्जांपल कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज थे ही नहीं तो बनेगा कैसे. इवन वी सी द राइज ऑफ दिस टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, लाइक इन उड़ीसा वी हैव गोलबई सेशन, इन वेस्ट बंगाल वी हैव पांडू राजा धीबी, इन बिहार साइड वी हैव चिरान, इन यूपी अगेन कोल्डी हवा. इट कंटिन्यूड फ्रॉम न्यूलिथिक टू चैल्कोलिथिक पीरियड. सो मेनी दीज कल्चर्स वर, सम ऑफ देम प्रीडेट हरप्पन सिविलाइजेशन, some of them were contemporary like Kayatha culture and the Ganeshwar culture, and many of them they were even after the decline of Harappan civilization like we see about the Jorve culture. so you should always know that Chalcolithic cultures were many in there. इनमें अगर आप बस ये इतना भी याद कर लोगे ना, एक मैप याद कर लो, टाइम पीरियड यहाँ से याद कर लोगे, तो यू कैन ईजिली राइट वट एवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द Chalcolithic. ओके, नाउ दिस इज द सेटअप फॉर दिस. That the first metal to be utilized, it was the copper. Okay, as we see after the Neolithic, the first to be utilized was this. These are the various Chalcolithic settlements. Southeast Rajasthan, we have Ahar and Gilund, both part of Ahar. In MP, we had Malwa, Kayastha, Iran, Navdatoli is there. Western Maharashtra, Jorve, Nivasa, Dayawad, Inamgaon. These are the major sites of the Chalcolithic. If we see the timeline, okay. So in timeline, what do we see?
that some of them they have started even before the Indus Valley and some of them they are after the Indus Valley. So do teeno tarike ki hame cheeze mil jati hai, some are contemporary also. Lifestyle again pastoralism as well as farming, the same thing. They were not urban, they were rural settlements. That's a major difference which we have to understand. Some of them they were semi sedentary while the many of them were sedentary in nature. If you see their materials used, so copper, stone tools, they used different kinds of pottery, black and red ware was important even among them. If you see animal domestication, so cattle, sheep, pigs, goats, buffaloes, and the evidence of even turtles and fowls has been found from here. If you see their houses, the wattle and daub houses. Wattle and daub is a very fancy word for mitti ka ghar. Okay, so it's a wattle and daub. Yaad kar sakte ho, jab hum map vagera padhenge to yahi ratenge last mein jaake ki neolithic aur chalcolithic mein what kind of houses are there? We have wattle and daub houses. Anyway, metal work, copper figurines are found, objects, ornaments again made of copper, terracotta, etc. This point you have to remember, the southern part of India did not produce cultural evidence of a full-fledged chalcolithic culture. And why did not happen? Because of the paucity of copper itself. Pura hai nahi wahan pe. So we have found perforated and spouted vessels have been found in some sites, copper bronze tool like chisels and flat axe occur at these sites, but in general we do not have a full-fledged culture in South India. So mostly kahan par hai? North and Deccan. Okay, या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इफ यू सी नेचर ऑफ सेटलमेंट्स, दे आर मेनली रूरल. सम ऑफ देम आर फोर्टिफाइड, लाइक इन वेस्टर्न महाराष्ट्र दे आर फोर्टिफाइड. ओके, राउंड हाउसेज आर ऑल्सो देयर. द मेजर एग्जाम्पल ऑफ राउंड हाउसेज कैन बी सीन फ्रॉम इनाम गांव एज वेल एज चिरान, फर्स्ट लार्ज विलेजेस इन पेनिनसुलर इंडिया. सो पेनिनसुलर इंडिया में पहली बार बहुत बड़े विलेजेस कौन से एरा में आते हैं? चैल्कोलिथिक एज में आते हैं. ओके, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, अगेन वी हैव सीन कॉपर टूल्स आर यूज, wheel turn, black and red pottery is there, and they also started using various kinds of customized shapes like lota, thali, which are now going to become important vessels for our basic existence. If we see agriculture, in western India they were utilizing barley, wheat, lentil. In south or eastern India, rice became very important, and they were supplemented by various kinds of non-veg food also. Like in western India, meat consumption was high, eastern India fish consumption was on the higher level. If we see development of this, okay, so if we go towards South India, so Neolithic, Chalcolithic and later on Megalithic, this is going to coincide. In case of other regions like Maharashtra, Malwa or Madhya Pradesh, these are mostly colonized because eventually yahan pe direct start hua hai. So if you see earlier settlement in Malwa in Central India, later settlement can be found in Western Maharashtra. If we see burial practices, okay, so burial practices are very important because that shows how you eventually see the human existence. Kis tarike se usko aap dekhte ho. So what do we see in Western India? Extended burial were there. It means people were buried whole and they were put in which kind of position? North and South. This used to be the position of the head and legs. And in Eastern India, fractional burial was there. It means first the body may be even put in front of the forces of nature, because kuch kuch religions mein hota hai, jaise Zoroastrianism, you must have seen that the dead bodies, they are left for the vultures and then eventually comes the next phase, because it is said that jitne bhi galat cheeze rahi hain, all the sins you have committed, they will be taken away by the vulture. So fractional burials are of various nature, fractional burial, and then eventually the body position would be in east west type. So it depends upon the area to area, but kuch limitations thi chalcolithic cultures ki as a whole agar hum India ke bare mein dekhe in comparison to Indus Valley civilization. Aur sabse badi limitation loge kya hai, that yes they were using the animal domestication, but उनको मीट के लिए यूज करते थे, नॉट फॉर द मिल्क पर्पस. नाउ दिस इज द एनालिसिस ऑफ आर एस शर्मा. तो थोड़ा थोड़ा इवन कि एडवांस लेवल का नहीं है, जो आज हमें अंडरस्टैंडिंग है, द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज विद हिम वाज रिलेटिवली ऑन द लेसर साइड. लिमिटेड लेवल ऑफ एग्रीकल्चर दे वर नॉट डूइंग वेरी सरप्लस लेवल ऑफ एग्रीकल्चर कुड नॉट हैपन, अदरवाइज दे ऑल्सो कुड हैव मेड देयर ओन सिविलाइजेशन लाइक द हड़प्पा. सो दैट डिड नॉट हैपन. ओके, सो नो इंटेंसिव कल्टिवेशन ड्यू टू लैक ऑफ आयरन टूल्स एक्सेट्रा, दे कुड नॉट मेक इट. हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, very high infant mortality has been seen specifically in Maharashtra. In Maharashtra it has been seen, many little children's kids, they have been buried within the floors of the house itself, which shows that the problems of epidemics, lack of medicine as well as malnutrition, or probably some genetic defects could also be there responsible for that. We do not know exactly for that. Copper stone culture also, so they were unaware about bronze production, so that remains one of the major limitation of these cultures. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस कभी कभार, जैसे लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन नियोलिथिक कि व्हाई शुड वी कॉल इट अ रेवोल्यूशन. तो जब भी नियोलिथिक से आता है, अगले साल ना क्वेश्चन चैल्कोलिथिक पे आता है. दिस हैज बीन सीड इन द हिस्ट्री.
16 में न्योलिथिक पे क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर चलकोलिथिक पे क्वेश्चन। तो इस साल मेंस के बच्चों को पहले बताने वाला हूं बेटा, ये याद करना है ठीक है, बिकॉज दिस इज हाउ वी लर्न टू प्रिडिक्ट कि हमें देखो पास होना है, हमारा एम बहुत क्लियर है, हमें पास होना है, एवरीथिंग एल्स शुड बी सेकेंडरी है ना, इवन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज वो भी सेकेंडरी होना चाहिए, बिकॉज नॉलेज का अंत नहीं है। अब तुम इमोशनल होकर चले गए जोरवे देखने, है ना, कि मैं आज चलकोलिथिक में चैंपियन बन जाऊंगा, सर ने आज ही पढ़ा, नया नया मेमोरी शार्प, लेट्स गो टू पाकिस्तान रीड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब नहीं चाहिए। वी रिक्वायर फाइनर पॉइंट्स, वी नीड टू हैव दैट अवेयरनेस कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और वही एम आप सब लोगों का होना चाहिए, उसी के बेसिस पर ही हम आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ दिस चलकोलिथिक इट इज दिस ओकरे कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर, तो ये ओसीपी कल्चर। इनफैक्ट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पॉटरीज, कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो एक टाइमलाइन पता होनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों को टाइमलाइन पता है विद रिस्पेक्ट टू आर कॉइन्स, कि पहले अपना पंचमार्क्ड कॉइन्स हैं, फिर हमारे कॉइन्स आए थे आपके इंडो ग्रीक्स के शाकास कुशांस। सो हियर आल्सो वी शुड नो द अर्लीस्ट पॉटरी ना जो फेमस हुई है फ्रॉम द हरप्पन साइड, दैट इज ब्लैक एंड रेड वेयर। ओके, आफ्टर ब्लैक एंड रेड वेयर वी सी दिस ओकरे कलर्ड, एंड दिस वॉज फेमस इन द अदर चैल्कोलिथिक कल्चर। अगर थोड़ा सा और क्रोनोलॉजी में अंदर का एनालिसिस समझना चाहते हो, तो यू शुड नो दैट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ पॉटरी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इट इज फाउंड ड्यूरिंग विच पीरियड, मेसोलिथिक, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द पॉटरी वॉज हैंडमेड, इट वॉज नॉट मेड बाय व्हील, इट वॉज हैंडमेड। ओके, इट बिकेम अ कॉमन फीचर बाय द टाइम ऑफ न्यूलिथिक पीरियड, एंड वी सी द रिप्लेसमेंट ऑफ द मेथड, प्रीवियसली इट वॉज हैंडमेड, नाउ इट इज गोइंग टू बी व्हील बेस्ड, व्हील बेस्ड पे हो गया है। ऑलराइट, इट बिकेम अ व्हील बेस्ड, देन फिर ये वाली कहानी आपको याद रखना है ठीक है। ड्यूरिंग दिस चैल्कोलिथिक हैज तो दोनों चैल्कोलिथिक फेज है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी कलर, सो फार कलर के पीछे कोई नहीं जा रहा, अभी तो हैंडमेड पोर्ट्री बनाना सीख रहे हैं। वंस दैट आर्ट इज परफेक्टेड, द नेक्स्ट थिंग इज उसको सुंदर बनाएंगे, सो दैट बिकेम कलर। सो कलर केम फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द हरप्पन और द चैल्कोलिथिक फेज, इन दोनों फेजेस में पहली बार हम पॉटरी देखते हैं ठीक है। देन द नेक्स्ट फेज ऑफ पॉटरी इट इज PGW, painted graveware. So painted graveware, this belongs to later Vedic period. Then NBPW, northern black polished ware. This is the name NBPW. This is given to the pottery of Mahajanapada period as well as Maurya. ओके, इतने ही टर्म्स आपको यूटिलाइज करने हैं मोस्टली फ्रॉम द पॉटरी पॉइंट ऑफ व्यू, और जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो ये चार ही हैं जो बार बार परेशान करते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, इन्हें परेशान करते हैं हम लोग सुबह से शाम को लेकर बर्तन ही देखते रहते हैं ठीक है। बट एनी वे ये याद रखना है, तो दिस काइंड ऑफ पॉटरी एमर्ज, दिस इज द रफली टाइम पीरियड ओके, को टर्मिनस विद द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो। सो इंडो गंगेटिक प्लेन दिस इज वेरी फाउंड, this pottery has this red slip with ochre color, black painted designs are also be seen, forms includes jars, storage balls, basins etc. then the relationship with harappa is very debated in nature, timeline lagbhag unke aas pass ka, but unka relationship tha nahi tha, that is open to question. some of the harappans they say ki bhai, some of the historians they say that it is an impoverished form of harappan culture, hai na, ki jaise ki hamari alai minar ko bola jata hai ki kutub minar, to that was the minar of the rich, Alai Minar is the Minar of poor people. So that's why this OCP pottery, it is considered as the pottery of impoverished, garib logo ki pottery thi OCP. And black and red way was that of Harappans. Others say it was related to even early Vedic culture, because the early Vedic culture, it belongs from 1500 to 1000 BC. So wo usko bolte hain. Other characteristics which we already know, it was majorly part of rural culture and part of farming, rice, barley as well as legumes. So this was the face of ochre colored pottery. आज के लिए लास्ट 5 मिनट और यूज करते हैं। सो व्हाट वी हैव सीन सो फार, इनिशियली वी टॉक्ड अबाउट टूल्स इन द स्टोन एज, जिसमें हमने बात किया स्टोन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, जो पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में तीनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी थी, दैट टेक्नोलॉजी बिकेम आउटडेटेड विद द यूज ऑफ कॉपर, एंड इवेंचुअली द मोस्ट
forward technology which is going to be utilized, it was the use of iron. So iron is going to be a path breaking technology. Okay, why? Because this is going to lead to the construction of the war machine. This is going to lead to creation of the biggest empires in India. Okay, so that's why, what do we need to understand? That iron, it becomes usable in India from around 1100 BC. Some say 1200, some say 1100, but mostly 1100 is the most acceptable one. And this has different phases in North India and South India. Look, everywhere I am differentiating कि कौन सी चीज नॉर्थ में है, कौन सी चीज साउथ में है. कल जब हम एक चीज का बात कर रहे थे, विच काइंड ऑफ हिस्ट्री शुड वी गो फॉर, अब आगे हमें किस टाइप की हिस्ट्री पर रिसर्च करनी चाहिए, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, रीजनल हिस्ट्री. व्हाई रीजनल हिस्ट्री? बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक बार आयरन आया और पूरा इंडिया एक साथ, चलो ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी है ना, जियो की तरह कि सबको एक साथ मिलने वाली है. दिस इज नॉट हाउ इट वॉज इन दोज टाइम्स. आयरन के लिए भी एक अलग अलग फेजेस थे. सो व्हेन आयरन केम इन टू यूज इन नॉर्थ इंडिया, वी वर हैविंग later Vedic period, and in case of South India we had Megalithic. Okay, so you should know very clearly at the beginning of the Iron Age it was a bit different in North and South India. Time period lagbhag aas paas hi hai. However, the use of iron in North India on large scale, it starts only from 600 BC. इसके बाद ही वो utilize होता है. बहुत ज़्यादा use होता नहीं है उसका उसके पहले. And in fact, many historians even contest that. वो debate का हम बात करेंगे. Like many of the Marxist historians, what do they say? That the beginning of the second urbanization, it was on the basis of iron. However, this has not been considered true. People like Makhanlal, people like चक्रवर्ती, they say that कि ये सब myth है. बिकॉज मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हर बार किसी न किसी मेटीरियल क्वांटिटी को ऊपर बना के अपने हिस्ट्री को जस्टिफाई करते हैं कि दैट्स वी आर, सिंस वी आर मार्क्सिस्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन मटीरियल साइंस. को आयरन को यूज कर लिया तो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चनेबल लेटर ऑन. बट इन केस ऑफ साउथ इंडिया वी डू सी डेवलपमेंट एंड मेगालिथिक. मेगालिथिक इज अ वर्ड विच इज लिंक टू बिग स्टोन बोल्डर्स, बिग स्टोन्स which were boulders or big stones which were linked to the graveyards, which were linked to the graveyards. Graveyards ke paas mein bade bade stones hote the, and from there we have found various remnants of iron objects. Okay, for the first time the settled life towards the South India, this became very prominent. And Iron Age is tarike se dono mein divide hoti hai. North India mein Vedic period chalta hai, South India mein kya chalta hai? Megalithic chalta hai. That's why अब थोड़ा और डिफरेंस शुरू हो जाएगा नॉर्थ और साउथ के बीच में. द प्रोसेस विल बी अ बिट डिफरेंट. कहीं कुछ चीज थोड़ी पहले आएगी, कहीं कुछ चीज थोड़ी सी बाद में आएगी. जैसे कि साउथ इंडिया, साउथ इंडिया विल बिकम मोर प्रोमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड विद द रोमन्स, है ना. रोमन्स के साथ जो ट्रेड होती है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? साउथ इंडिया था इनिशियली. लैंड वाली ट्रेड तो बाद में इंपॉर्टेंट होती है बाय द टाइम ऑफ कुशांस, पहले नहीं होती है. तो इंडिया के हर एरिया का कुछ एक स्पेसिफिक हिस्ट्री है. That's why when somebody asks you this, तो इसको हमेशा बोलो कि यार regional history को हमें पढ़ना चाहिए. Regional understanding, regional history is not going to affect our so importance of nationalism. The most important thing is कि India ऐसा ही था उस time. It was not one single political unit. So that's why its history has been affected by various processes. और इसी का ही ये beginning क्या है? Iron Age में भी दिख जाता. So in Iron Age, what do we see? That the Iron Age in North India coincides with the painted graveyard culture that we already know. It belongs to which part? The later Vedic period, which roughly is from 1100 to 800 BC. ये वाला time period है यहाँ पे, ठीक है? The pottery was, if we talk about this pottery was grey in color with painted geometric design, and this were laid the foundation of early political formulation. It correlates with the Kuru Panchal kingdom known from the Vedic texts, and later on the pottery which developed, it was known as northern black polished ware. तो इस तरीके से develop होता है, but if we see in South India, it was associated with megalithic burials. तो South India की हम अलग से एक क्लास करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली पूरा डील करेंगे. Hi, a very good evening to all of you. I'm Vikas Alawat. I'm a former civil servant. I was able to crack UPSC twice. In fact, in 2018, I was able to get highest marks in history optional, and they were around 324.
So this year I'm coming up with a series which I'm calling self-study history optional. इस सीरीज में 100 से ज़्यादा वीडियो होने वाले हैं which are going to cover the different nuances of ancient, medieval, modern as well as world history. So those of you who are preparing for 2025, register करिए and try to get the maximum out of this specific initiative of ours. So at Prep Career IAS, we are producing results from last many years. 2023 में बहुत सारे टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट से थे. 2022-21 हर साल बहुत अच्छे टॉपर्स यहाँ से निकले हैं एंड दे हैव बीन एबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल. सो दोज ऑफ यू आर थिंकिंग कि यार स्टार्ट करके कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, वी ऑलरेडी हैव अचीवमेंट्स विद अस. आई वॉज एबल टू अचीव, माई स्टूडेंट्स आर अचीविंग एंड यू कैन बी द नेक्स्ट. इन सेशंस में क्या होने वाला है? नंबर वन, विल बी फोकसिंग ऑन फाउंडेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्टोरिकल पीरियड, व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री, व्हाट इज प्री हिस्ट्री, बेसिक लेवल. ओके, सेकंड, अलाइनमेंट विद यूपीएससी सिलेबस. जितना भी हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है वो 51 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो वी आर गोइंग टू अलाइन ईच एंड एवरी कंसेप्ट विद द सिलेबस इटसेल्फ. नंबर थ्री, वी गोइंग टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग. ऑल ऑफ यू नो कि जो मेंस है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव लेवल पे होता है और आप सब लोगों को आंसर राइटिंग सीखना शुरू करना पड़ेगा, है ना. वी डू नॉट हैव टू मच ऑफ टाइम, तो स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग शुरू करेंगे. एंड नंबर फोर, द ओवरऑल पैकेज इज वेरी होलिस्टिक इन नेचर. तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो जो बेसिक लेवल फाउंडेशन हिस्ट्री ऑप्शनल की वो कंप्लीट हो जाएगी. यू आर गोइंग टू गेट मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स अलॉन्ग विद दिस. ओके, 100+ सेशन है, चारों पार्ट कवर होंगे. थीम वाइज सेग्रीगेटेड डायग्राम, फ्लो चार्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं. देखो, अगर हम सारी एनसीईआरटीज को कंबाइन कर दें, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ वेरियस बोर्ड्स ऑफ इंडिया, तो 25 से 26 एनसीईआरटी निकल के आती हैं. उन सबको हमने कोहरेंट फॉर्म में डिजाइन किया है सो दैट यू कैन लर्न द बेस्ट फ्रॉम दैट. ओके, बिकॉज देखो हिस्ट्री में रिसर्चेज चलती रहती हैं. अभी तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू द रिसेंट हिस्ट्री देन द प्रीवियस हिस्ट्री जो कि आर एस शर्मा वगैरह, सतीश चंद्रा या फिर बिपिन चंद्रा ने लिखी हैं. That's why we are covering all the NCRTs and that's why 100+ sessions ho ja rahe hain total mila ke. Then 30+ value added aapko document milne wale hain, dedicated answer writing session milenge, zoom sessions bhi karenge baad mein taki aap logo ki jitne bhi doubts ho with respect to learning they could be solved. Overall jo hai aapko class ki PPTs milengi, कंसेप्ट लिस्ट मिलेगा, PYQs, जितने भी PYQs हैं उनको अच्छे से हमने डिज़ाइन कर दिया ताकि आप सब उनको अच्छे से पढ़ सकें, माइंड मैप मिलेंगे पूरे सिलेबस के, वर्कबुक और लर्निंग असाइनमेंट्स मिलेंगे एंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सो दैट वंस यू लर्न समथिंग तो साथ में उसके उसको एटलीस्ट इवेल्युएट भी करना चाहिए ना कि भाई हमें कुछ समझ में आया भी है नहीं आया, एटलीस्ट जितना रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँचे हैं या फिर नहीं पहुँचे हैं. तो आपको करना क्या है, वट वी नीड टू डू दैट, सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए. ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक गूगल शीट मिलेगा, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए. देन एज ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड, हर किसी के पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक कॉल आएगा एंड दैट इज समथिंग विच वी आर कॉलिंग अ स्क्रीनिंग प्रोसेस. बिकॉज अगर हमें आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच वी कैन हेल्प दे आर ऑलवेज लिमिटेड इन नेचर. सो अकेडमिक काउंसलर इज गोइंग टू कॉल यू, दे गोइंग टू हेल्प यू, दे गोइंग टू अंडरस्टैंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. हो सकता है आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, और यू मे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सम टाइम एंड यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, तो इसलिए हमें स्क्रीनिंग प्रोसेस चाहिए होगा. एंड फाइनली on the basis of this you're going to get the benefit of this program.